वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखिए अर्थगुण ईडीएम्स के साथ के 194वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार है, नंबर वन स्नेक इन द ग्रास, नंबर टू साउंड बीटिंग। साथियों पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं, स्नेक इन द ग्रास स्पेल आउट कर देता हूँ, SNAKE स्नेक, INNTHE द GRASS ग्रास। साथियों स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो कि दोस्त होने का नाटक करते हैं, अपना बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य होता है धोखा देना, छल करना, नुकसान पहुंचाना। सरल शब्दों में कहें तो आस्तीन का सांप। फ्रेंड्स एग्जांपल्स दो समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा पर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, आई वॉज थिंकिंग That he is my best friend, but he had stolen my money. What a snake in the grass! मैं सोच रहा था कि वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने मेरे रुपए चुरा लिए। वो कितने बड़े धोखेबाज हैं। नंबर टू, Don't ever trust him. He is a snake in the grass. कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना। वो अपना बनकर, दोस्त बनकर धोखा देते हैं, छल करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर थ्री, आई एम नॉट ए स्नेक इन द ग्रास, डोंट ट्राई टू डिफेम मी। मैं आस्तीन का सांप नहीं हूं, मुझे बदनाम करने का प्रयास नहीं कीजिए। दोस्तों अब अगले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं, साउंड बीटिंग स्पेल आउट कर देता हूं, SOUND साउंड, BEATING बीटिंग। दोस्तों साउंड बीटिंग का अर्थ होता है अच्छी तरह से पिटाई करना। एग्जाम्पल दो समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, पुलिस हैज गिवन ए साउंड बीटिंग टू थीप। पुलिस ने चोर की अच्छी तरह से पिटाई की है। नंबर टू, आफ्टर हिज बैड एग्जाम रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम साउंड बीटिंग, हिज पेरेंट्स motivated him for better performance next year. खराब परीक्षा परिणाम के पश्चात अच्छी तरह से पिटाई करने की जगह उसके माता पिता ने अगले वर्ष बेहतर प्रदर्शन के लिए उसका हौसला बढ़ाया। नंबर थ्री, after such a sound beating, he is accepting his mistake. इतनी अच्छी तरह से पिटाई हो जाने के पश्चात वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों आपको आज का अंक कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखे, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए। मित्रों स्वर्गीय भारतेंदु हरीशचंद्र जी के अमर पंक्तियों से आज के अंक को समाप्त करूंगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।